पतरस की दूसरी पत्री पहला अध्याय 1 से आखिरी तक वचनों को पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम मनन करेंगे। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएँ दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारा की प्रीति और भाईचारा की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्धमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण ये भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलि बांधी यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उबारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से घड़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से
बोलते थे। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन बच्चों लोग, जो भी वचन अभी हम पढ़े थे सुने थे, उसमें हम इस बातों को देखते हैं कि कैसे मसीह जीवन को हम विजेता के साथ पूरा करना है। वही यहाँ पर बता रहे हैं 10वीं आयत में 11वीं आयत में, इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आदर के साथ हमें उसके राज्य में प्रवेश करना है, बड़ी आदर के साथ प्रवेश कर सकते हैं। तो परमेश्वर अपने अनंत राज्य के लिए हमें बुलाया है, उसमें हम आदर के साथ प्रवेश करना है। जैसा हम देखते हैं हमारा देश के लिए, जो लोग खेल कूद में भाग लेते हैं, ओलंपिक्स में और दूसरे कोई फंक्शंस में भाग लेकर कोई मेडल लाते हैं देश के लिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, जब वो लोग देश के लिए कुछ नाम कमा के आते हैं, हमारे देश में जब वो लोग पहुंचते हैं तो हमारे देश में उनके लिए अच्छा एक स्वागत किया जाता है, रेड कारपेट वेलकम कहते हैं, बड़ा माला माला पहना कर उनके लिए बड़ा रिवार्ड्स भी देते हुए आनंद के साथ उनको स्वागत करते हैं। तो इस रीति से जब हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे, हमारे लिए वहाँ अच्छा एक स्वागत होनी चाहिए। हमको वहाँ पर एक आदर के साथ अनंत राज्य में हमें प्रवेश करना है। वही बातों को पतरस अपने चेले लोगों को बता रहे हैं, और इतना भी नहीं है, वो ये भी लिख रहे हैं कि मैं जाने के बाद भी इस बातों को आने वाले कलीसिया वालों को भी याद रखने के लिए मैं यत्न करूँगा करके इस पत्री में इसको हमारे लिए लिख के रखा है कि हमारे लिए लागू है, कि हम भी अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं और हमारे लिए इनाम भी वहाँ पर जमा करना है। बड़ी आदर के साथ हमें प्रवेश करना है। तो कोई भी बात है, शुरुआत कैसे भी क्यों ना हो, आयुब की किताब में हम पढ़ रहे हैं, तुम्हारा शुरुआत छोटे से रहने से भी तुम्हारा अंत महिमा के साथ रहेगा करके आयुब 8:7 में कह रहे हैं, और सभा शिक्षक 7:8 में भी देख रहे हैं। कोई भी चीज़ों की शुरुआत से उसकी अंत महत्वपूर्ण रहता है। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी आपके जीवन की शुरुआत हुआ होगा, लेकिन आप विश्वास करो, बड़े आदर के साथ प्रभु के राज्य में आपको प्रवेश कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर दिए गए बातों को हम ध्यान से देखना है। परमेश्वर प्रेमी है, हम उसका प्रेम को विश्वास करें, और उसने हमारे लिए जो प्रबंध किए हैं उस बातों को हम स्वीकार करें, इस्तेमाल करें, और हमारे लिए जो बुलावट है उसको हम बलि बांधी पहचान लें, बुलाने वालों को पहचान लें। हमारे लिए दिया हुआ जो दान वरदान है, हमारे लिए दिया हुआ स्वर्गीय सामर्थ्य है, उसको हम पहचान लें, उसके हिसाब से हम जीवन व्यतीत करेंगे, कभी भी हम ठोकर नहीं खाएंगे। तो यही बता रहे हैं, अपने बुलावट को चुन लिए जाने का आपको निश्चय करना है कि परमेश्वर मुझे क्यों बुलाया है, उसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का बलि बांध यत्न करते जाओ, ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। तो परमेश्वर का बुलावट अटल है, वो हमें चुन लिया है मसीह यीशु में, स्वर्ग स्थानों में हमारे लिए आशीष दे दिया है। तो इस बुलावट में हम बने रहकर परमेश्वर के अनंत राज्य में महिमा के साथ प्रवेश करना है। आज हम लोग सब दौड़ रहे हैं, लेकिन हम सही दिशा में दौड़ना ज़रूरी है, सही दिशा में हमारा यत्न करना ज़रूरी है। बलिबांध यत्न करो, सही ढंग से यत्न करो, सिद्ध करने के लिए चुन लिए जाने को सिद्ध करना है, उसको पूरा करना है। केवल बुलाए जाने से बात नहीं, उस बुलावट को हमें पूरा करना है। तो आज यही हम सीखना है। पौलुस अपने पत्र में अपने विषय कलीसिया वालों के लिए, जब उनसे
विदा होने वाले थे। प्रेरित 20 अध्याय में 24 वचन में कहते हैं, और एक ही मकसद है कि मेरे दौड़ को मैं आनंद के साथ पूरी करूं, और जो सेवकाई मुझे यीशु मसीह से पाया है अनुग्रह का सुसमाचार को प्रचार करने का, उसको मैं अच्छी तरह पूरा करूं। वही उसके लिए बोलते मेरे प्राण को भी मैं प्रिय नहीं जानता हूं। एक ही मकसद रखा, एक ही फोकस रखा कि एक महिमा के साथ अपने दौड़ को पूरी करना है। वही पत्रस यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं, ये पत्री के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने दौड़ को आदर के साथ पूरी करना है, महिमा के साथ। ऐसा कभी हमारा नाम पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसने ऐसे से गड़बड़ किया, स्कैंडल किया, पैसा लूट लिया, या ऐसे विचार के पाप में गिर गया, ऐसे से नाम धराई नहीं होना चाहिए, हमारा ऊपर बदनाम नहीं होनी चाहिए, और हमारे लिए स्वर्ग में बड़े आदर के साथ हम प्रवेश करना है। काफ़ी सारे आत्माओं को भी स्वर्ग राज्य में पहुंचाते हुए, प्रभु के महिमा को इस पृथ्वी पर लाते हुए, जैसे देश के लिए लड़ने के लिए जाते हैं, देश के लिए खेलने के लिए जाते हैं, देश की महिमा को बढ़ाते हैं, वैसे आज हम स्वर्ग राज्य के लिए यहाँ पर जी रहे हैं। स्वर्ग राज्य की महिमा को, उस शोभा को हमें बढ़ाना है, यीशु मसीह का नाम को हमें महिमा करना है, इस मकसद से बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बातों को इस छोटे से पत्री में संक्षेप में पत्रस के द्वारा पवित्र आत्मा हमें लिख के दिया है। तो इसमें हम थोड़ा से बातों को ध्यान से हम देखेंगे, काफ़ी बात है यहाँ पर पवित्र आत्मा में प्रकाशन देने से, इस बातों को महत्वपूर्ण बातों को हम समझ पाएंगे कि बुलावट के बारे में लोग सोचते हैं, इवन दुनिया वाला भी कुछ लोग बोलते हैं हमारे लिए बुलावट है, वो लोग ईश्वर को नहीं मानते, यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, फिर भी वो लोग बुलावट बोलते हैं अपने लिए, वो लोग अपना खुद का कोई मकसद को वो लोग रख देते हैं, नहीं तो समाज के मकसद, अपने माँ बाप के मकसद, अपने जो साथ वालों के लिए, देश के लिए, अपना लोगों के लिए कोई मकसद रखते हुए, कोई ध्यान केंद्रित करते हुए लोग दौड़ते हैं। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का बुलावट है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन बच्चे लोग, आप सेवक भी होंगे, सेवक नहीं भी होंगे, हम बुलावट की बात करने से तुरंत लोग सेवकाई का ही सोचते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, सेवकाई केवल बुलावट नहीं है। एक तो सबसे पहले बुलावट है, आप उसके राज्य के लिए, महिमा के लिए बुलाए गए, उसके महिमा में भागीदार होने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर इसी ढंग से इंसान को बनाए हैं, और आदम को बनाए अपने स्वरूप में, उनके रिश्ता को रखने के लिए, उनके साथ व्यवहार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, दोस्ती करने के लिए। सबसे पहले हमारा बुलावट है उसके ईश्वरीय स्वभाव में हमें भागीदार होना है। उसने अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, मतलब अच्छे दिल से बुलाया, अच्छे विचार से बुलाया। दुनिया के माँ बाप भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे ही परमेश्वर पिता भी इंसान भले गिरे हुए हैं, उनको यीशु के स्वरूप में बनाने के लिए यीशु मसीह में हमें बुलाया है, यीशु मसीह में हमें चुन लिया है, उसके ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार होने के लिए काफ़ी सारे बहुमूल्य वायदा हमारे लिए दिया है, उसके लिए ईश्वरीय सामर्थ्य भी हमें दिया है। उस ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा जो भी जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, सब कुछ हमें उसने दिया है। आज ये चारों बातों का हमें समझना चाहिए, हमारा बुलावट मतलब मेरा बारे में परमेश्वर की मकसद क्या है वो जानना चाहिए, और हमें बुलाने वाले कौन है वो चीज़ हमें जानना चाहिए, बुलाने वाले हमारे लिए क्या क्या दिया है वो हमें जानना चाहिए, और हमारे लिए देव इन बातों में हम कैसे बढ़ना है वो भी हमें सीखना चाहिए। हर बातों में बढ़ना है, हर बातों में बढ़ना। एक शरीर को देखते हैं, अगर छोटे बच्चे के शरीर में हाथ बढ़ेगा, पाँव नहीं बढ़ेगा तो कैसे रहेगा। एक विश्वासी के जीवन में और चीज़ में बढ़ोतरी परमेश्वर चाहते हैं। हमारे अंदर ईश्वरी का स्वभाव दे दिया है,
इसको पहले हम पहचान लेना चाहिए। शेर का बच्चा शेर ही होते हैं, बिल्ली कभी नहीं होते। ये बातों को अगर भूल जाते हम लोग अंधा हो जाते हैं, दुनिया वाले जैसे चलने लगते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहन, आपका विजय वन जीवन का यही मेन कुंजी है, यही मेन चाबी है। आप समझ लो, आपके अंदर यीशु जी रहते हैं, महिमा की आशा है। आप शेर के संतान हैं, यहूदा कुल के शेर आपके अंदर निवास करता है। तो हमें बुलाने वाले सद्गुण और महिमा से बुलाएं। हमारा बुलाने वाले फालतू फालतू व्यक्ति नहीं है, महिमामय प्रभु है। सब कुछ अपने वश में कर सकता है, सामर्थ्य प्रभु है। सब चीज़ उसने करके दिखाया है, सामर्थ्य में महान है। उसको हम पहचान लें, उसने हमें वायदा दिया है, उसको हम पहचान लें। उसने हमें ईश्वरीय सामर्थ्य दिया है, जीवन और भक्तिभाव के संबंध सब कुछ उसने हमें दिया है। ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा सब हमें मिलता है। ईश्वरीय सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करने के द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव में चल पाते हैं, अपने सामर्थ्य से नहीं, उनके सामर्थ्य से। जीवन की हर चुनौती को हम सामना करेंगे, ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करते रहेंगे। हमारे अंदर मसीह को जीने देंगे, मसीह का जीवन हमारे अंदर रहते हुए हर परीक्षा में जयवंत कराएगा। आज ये जोयो लाइफ, जोयो जीवन, वही आपके अंदर है, वही आपका बुलावट है। उसी को आप सिद्ध करो, उसको जीने दो, उसको आपके अंदर काम करने दो। जरूर जयवंत से बढ़कर हम रहेंगे। उसको जानना है, उसको जानना, यही पत्रस लिखते, उसको जानना ही आपके लिए अनुग्रह और शांति को लेकर आएगा। दूसरा वचन में कहते, पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानोगे, अनुग्रह और सच्चाई को मिलेगा, शांति मिलेगा। कृपा और शांति का दाता है, उसको जानना चाहिए, उस जानकारी में बढ़ना है। पत्री को ख़त्म करते हो भी यही बात बता रहे हैं, इस दूसरे पत्रस का आखिरी वचन में ये लिख रहे हैं, उसको जानकारी में, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, अनुग्रह में बढ़ते जाओगे। जितना हम उसको जानेंगे उतना ही अनुग्रह आप पाते रहेंगे, स्वीकार करते रहेंगे। अनुग्रह 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 करके मंत्र जैसे बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है। ज़रूर हम प्रार्थना तो करना है, लेकिन उसको हम जितना पहचानेंगे उतना उसके सामर्थ्य को अनुभव करेंगे, उतना ही वो हमारे जीवन में काम करने देंगे, उतना ही हम उसके अनुग्रह को बहने वाले बनेंगे। दूसरे के जीवन में उस आशीष बहना चाहिए। परमेश्वर हमें बुलाया है उसके सद्गुण के अनुसार, ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार होने के लिए। ईश्वरीय स्वभाव क्या होते हैं? देने वाले स्वभाव होते हैं, देने वाले, केवल पाने वाले नहीं, देने वाले बनोगे, उसके स्वभाव के भागीदार हो जाओगे। यही परमेश्वर का बुलावट है एक एक मसीह बच्चों लोगों के लिए। परमेश्वर ने हमें बुलाया, अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ आपको प्रवेश करना है। यही बातों को बार बार याद दिलाना सेवक लोगों की जिम्मेदारी है। पत्रस लिख रहे हैं, यद्यपि तुम इस बातों को जानते हो, इस सत्य वचन तुम्हें मिला है, बने भी रहते हो, फिर भी इन बातों को शुद्धि दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। पत्रस लिख रहा है, हम लोग यही आपको बार बार यही बताते रहते हैं, मसीह तुम्हारा में रहता है, महिमा की आशा है, नई सृष्टि तुम्हारा अंदर है, यीशु मसीह का स्वभाव है उसमें, वही उसी के द्वारा इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से मिलने वाले सड़ाहट से हम बचेंगे। उसी से यीशु का जीवन हमारे अंदर आने के कारण हम दुनिया की बातों पर जाय पाएंगे, अपने सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर अपने सामर्थ्य में दिया है। पहला वचन में लिख रहे उनकी धार्मिकता में दिया है, नए विश्वासी को भी दिया है, वही बता रहे हैं, हमारा समान विश्वास तुमको भी मिला है, धार्मिकता के द्वारा, परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा। यही हमें समझना है, उसकी धार्मिकता हमें मिला है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य हमें मिला है, ईश्वरीय स्वभाव हमें मिला है। आखिर में लिख रहे हैं, भविष्यवाणी वचन हमें मिला है। भले पत्रस अपना अनुभव को वहाँ पर दोहराते हैं, जब वहाँ पर रूपांतर के पहाड़ में यीशु मसीह को महिमा के साथ देखा था, वो लोग ऊपर से आकाशवाणी हुई, यही मेरा प्रिय पुत्र है इसमें मैं प्रसन्न हूँ करके पिता की आवाज़ वो लोग सुने थे, और मूसा और एलिया को भी वो लोग देख रहे थे। फिर भी पत्रस बोलते हैं, ये जो घटना जो हुई है
भविष्यवाणी को ही पूरा किया है। भविष्यवाणी जो पहले दिया गया है, तारा के समान चमकती है वो घटना, और इसमें दोनों मिलता है तो वचन हमारा जीवन में पूरा होता है। जरूर वचन अनुभव में बदलता है, केवल अनुभव नहीं है, वचन के साथ अनुभव होना चाहिए, वचन को पूरा करने वाला अनुभव होना चाहिए। अनुभव से हम सच्चाई को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन वचन से सच्चाई हम पहचानना चाहिए, जरूर उसके अनुभव में भी हम देखने लगेंगे। यही पत्रस यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी वचन मनुष्य की ओर से नहीं आया है। ऐसे से जो भविष्यवाणी पूरी होती है, समझ लेना जरूर प्रभु की ओर से हुआ है। उसी वचन को हम देखते रहना है, वही वचन हमें बताता है परमेश्वर प्रेमी है, वही वचन हमें बताता है मसीह में नई सृष्टि है, वही वचन हमें बताता है उसने हमें धर्मी ठहराया है, वो हमारे लिए पाप ठहराया कि हम धर्मी बन जाएं। ये सारे वचन आज हमारे लिए अंधियार की दुनिया में ज्योति के समान चमक रहा है। उन वचनों को हम ध्यान से देखते रहना चाहिए। ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार हूँ इस बातों को कभी ना भूलें। उस ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय बुलावट है मेरे लिए, ईश्वरीय वायदा है, ईश्वरीय सामर्थ्य है, और उसने मेरे लिए जीवन के सब कुछ उसने यीशु मसीह में सेंध में दे दिया है। स्वर्ग स्थानों में सारे आशीष उसने दे दिया है। इस बातों को हम याद करें। हमारा जीवन का एंड अच्छे नोट के साथ, अच्छे एक आदर के साथ पूरा होना चाहिए। एक कुरिन्थियों 3:15 में कुछ लोगों के बारे में लिख रहे, वो लोग जीवन भर कुछ ना कुछ बनाते रहे, ऐसे ऐसी बनाते हैं जो चलने वाला चीज़ों से, लकड़ा से, घास से बनाते हैं, लेकिन आग में जलकर ख़त्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। यही पौलुस भी लिख रहे हैं, पत्रस भी लिख रहे हैं। जिंदगी को ध्यान से देखो, क्या बना रहे हो, किसके ऊपर बना रहे हो, कौन सा कहाँ पर मकान बना रहे हो, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, अच्छे अच्छे पत्थरों से, कंक्रीट से बनाओ, सही सिद्धांत के ऊपर जीवन बनाओ, स्थिर रहेगा। ऐसा जो बनाने वाला के बारे में पहला कुरिन्थियों 3:15 में बोल रहे हैं, वो लोग ऐसे आग से बच निकले, ऐसे निकलेंगे, बाल बाल बचेंगे, लेकिन उनके लिए इनाम तो नहीं मिलेगा। आज मेरे प्रिय भाई बहन बच्चे लोग, आदर के साथ पूरा करो, आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अनुभव करो। वचन अनुभव दोनों साथ चलना चाहिए। केवल वचन बोलेंगे वो हमारे जीवन के पर्सनल एक्सपीरियंस में बदलना चाहिए, तभी हम दूसरे के साथ हिम्मत से बोल पाएंगे। हमारा जीवन में वो अनुभव जरूर परमेश्वर देंगे। और हम प्रार्थना करेंगे इन वचनों को लेकर, प्रभु आपको और मुझे आशीष करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज मेरे प्रिय भाई बहन बच्चे के जीवन में इन वचनों के द्वारा आपने एक बात किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे जो भविष्यवाणी वचन है हमारे जीवन में काम करने के लिए आपने दिया है, विश्वास के साथ प्रभु जी इस वचनों को हमारे जीवन में काम करने के लिए हम अनुमति देंगे, ज़रूर आप करेंगे। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। आज ये मेरे बातों को सुनने वाले कोई भी व्यक्ति आधा अधूरा में रुक न जाएँ, कहीं भटक न जाएँ, महिमा के साथ आदर के साथ अपना दौड़ को पूरे करने वाले रहें। बलि बांधी जान लें, सिद्ध करें अपने बुलावट को जो परमेश्वर चुन लिया है, किस मकसद से, अपने माँ बाप के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए जीने वाले रहें, आपका बुलावट को पूरा करें। दुनिया भी बुलाता है, लोग भी बुलाते हैं, गलत लोग भी बुलाते हैं, लेकिन उनके बुलावट में जाके फंसे नहीं, आपके बुलावट में बने रहें, आपके राज्य के लिए फल लाएँ, आपके राज्य से इनाम को पाएँ। मेरे लिए मेरे भाई बहन बच्चों को मदद कर, आपके हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन।